वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन चैलेंज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बहुत ही कमाल का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रियलमी के फोन में कुछ इस तरीका का कंट्रोल पैनल। आप भी अपने फोन में सेट कर सकते हैं अगर आपका रियलमी का फोन है। तो देखिए रियलमी के फोन में मैं इस तरीका का कंट्रोल पैनल सेट किया हूँ। चलिए मैं आपका अबाउट फोन में जाकर दिखा देता हूँ कि इस तरीका का रियलमी के फोन में किस तरीका से कंट्रोल पैनल सेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मेरा अबाउट फोन में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ कि देखिए मेरा फोन जो है रियलमी 3i है और रियलमी 3i में मैं देखिए किस तरीका का यहाँ पर कंट्रोल पैनल सेट किया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके रियलमी का जो यहाँ पर कंट्रोल पैनल है किसी भी रियलमी के फोन में कैसे सेट करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा कमाल का है, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इससे भी अच्छी आपको चैनल पर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रेंड, इस तरीका का कंट्रोल पैनल सेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम लोगों को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन को बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही हार्ड वर्क है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ, फाइल मैनेजर में जा करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं फाइल मैनेजर में गया और एपी के फाइल में गया और इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिक तरीका से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, इंस्टॉल कर जैसे ही एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एप्लीकेशन को जब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया और मेरा होम स्क्रीन पर ही आ गया एप्लीकेशन, तो हम लोग को कुछ देर के लिए एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को ऐप्स इन्फो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहाँ पर ऐप्स इन्फो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर ऐटो स्टार्टअप का जो आप आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं ऐटो स्टार्टअप पर क्लिक किया, अब क्लिक कर देने के बाद मुझे चले जाना है फिर से वही एप्लीकेशन में। ठीक है, जैसे कि मैं इस एप्लीकेशन को ओपन किया, ओपन कर लेने के बाद देखिए वेलकम टू MI कंट्रोल सेंटर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया और यहाँ पर आपको देखिए वैक में जा करके देखिए यहाँ पर आपको नो ट्रेनिंग के सामने आपको जो दिखाई दे रहा है उसको ऑन कर देना है। उसको ऑन करने के लिए हम लोगों को दो तरह का परमिशन देना होगा, एक्सेसिबिलिटी का, जो एक्सेसिबिलिटी का यहाँ पर परमिशन देने के लिए हम लोग को देखिए MI कंट्रोल सेंटर का परमिशन जा करके मैं देखिए यहाँ पर दे दिया। ठीक है, देखिए पर थोड़ा समय के बाद उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद देखिए एप्लीकेशन का मैं परमिशन यहां पर दे चुका हूं। ठीक है, तो चलिए मैं दे दिया और दे देने के बाद हम लोग को नोटिफिकेशन एक्शन का परमिशन देने के लिए नोटिफिकेशन एक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन एक्शन पर क्लिक किया, क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पर आपको MI कंट्रोल सेंटर के सामने दिखाई दे रहा है उसको ऑन कर नो थैंक्स पर हम लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक कर देने के बाद कुछ करना नहीं है, नीचे जाने के बाद आपको कलर भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको डार्क कलर आप चूज कर लीजिए, काला या उजला जी आपको मना है सी आप यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कर लेने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर आपको अब जाकर आप देखेंगे तो आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर टास्क बार यहाँ पर चेंज होता हुआ रहेगा, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लोडिंग ले रही है तो मात्र थोड़ा सा वेट करना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेने के बाद देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए किस तरह का से अभी भी नहीं आया है, देखिए थोड़ा सा समय आपको इंतजार करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंतजार किया और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आया, देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीन चार बार कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि लोडिंग लेने में फर्स्ट टाइम दिक्कत होती है। ठीक है, तो शुरू बार करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा चीज़ का परमिशन वर्मिशन दे करके आप अपने फ़ोन में कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और हो कि यहाँ पर रिसेंट टेक्स्ट बार को आप जैसे ही यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रिसेंट टेक्स्ट बार देखिए यहाँ पर टास्क देखिए यहाँ पर है बहुत ही अच्छा तरीके से शो हो रही है और यहाँ पर रिसेंट टास्क बार जैसे आप क्लीन करते हैं कोई भी ऐप्स को यहाँ पर क्लीन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर गया और इस ऐप्स को क्लीन करता हूँ तो जो यहाँ पर MI कंट्रोल सेंटर आपको दिखाई दे रहा है इसको लॉक कर देना है। ठीक है, 3 डॉट बटन पर आप क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए टास्क बार में जाएंगे और उस पर क्लिक कर देने के बाद हम लोग को लॉक का आइकन दिखाई देता है, तो लॉक कर देना है। और इस तरीका का सेटिंग आप अपने फ़ोन में करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।